गॉड इज बीइंग रियली काइंड. आई थिंक यू नो हर एक्टर की जिंदगी में एक वो टाइम आता है जब उसको वो रियलाइज हो जाता है कि यू नो अब तो हो जाएगा, अब से हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज दिस मंथ फॉर मी. सो आई थिंक आई एम गोना बी दिल और दिमाग, द यिंग यांग ऑफ द हाउस. दिल और दिमाग एकदम बैलेंस करके चलूंगी एंड पीपल आर गोना लव दैट हार्ट एंड द ब्रेन. And I think that's going to be me, the balanced one in the house. Finally, Big Boss OTT को मिल गया अपना विनर. जी हाँ, दिव्या अग्रवाल बन गई हैं Big Boss OTT की विनर. दिव्या ने सबको पीछे छोड़ ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. वैसे तो शो में सब यही कह रहे थे कि करण जौहर नेहा और शमिता को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद दिव्या बन गई हैं सबकी पसंद. और एक अच्छे प्लेयर की तरह दिव्या ने गेम को काफी अच्छा खेला और फाइनली ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली. वेल, आपको बता दें कि इस शो का फिनाले रहा काफी इंटरेस्टिंग. घर में रितेश जिनेलिया भी पहुंचे और सबको काफी एंटरटेन किया. नेहा भसीन के घर से बाहर होने के बाद टॉप 5 थे निशांत, दिव्या, प्रतीक, राकेश और शमिता. वेल, इसमें टिकट टू बिग बॉस 15 का ट्विस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग था, जिसे प्रतीक ने चूज किया और उन्होंने अपना रास्ता बना लिया सलमान के शो की तरफ. साथ ही ये भी बता दें कि इसी दौरान सलमान ने भी अपने बिग बॉस 15 के लॉन्च का डेट अनाउंस कर दिया. जी हाँ, 2 अक्टूबर को ये शो लॉन्च होगा जो टीवी पर दिखाया जाएगा. बिग बॉस OTT ग्रैंड फिनाले में काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी हुए. फैंस पहले से ही चाहते थे कि दिव्या अग्रवाल ही इस शो की विनर बने और हुआ भी यही. वेल दिव्या, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू.